الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت سيد درو شريف پڑھ बुज़ुर्गान महतरमज़ज़ कराम अज़ीज़ नौजवानों और मेरी महतरम दीनी माओ और बहनों एक ख़ुशी की बात है और एक अफसोस की बात है अफसोस की बात तो यह है कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गफलत में गुनाहों में गुजर गया हम अल्लाह को मना न सके अल्लाह को राजी न कर सके अल्लाह से सलाह न कर सके दिल की तार अल्लाह से न जोड़ सके जवानी अल्लाह पर फिदा न कर सके सच्ची तौबा न कर सके आखिरत की सही मानों में तैयारी न कर सके जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी चाहिए वो हासिल न कर सके प्यारे नबी का इश्क जो हमारे में सीने में होना चाहिए वो हम हासिल न कर सके कुरान शरीफ की तिलावत हम ज़्यादा कर न सके गुनाहों से हम ज्यादा बच न सके क्वालिटी वाली नमाज हम पढ़ न सकें पूरा साल मिला था अगर हम रोज़ाना तहज्द पढ़ते इशराक पढ़ते चाश्त पढ़ते अवाबीन पढ़ते तो आज बात ही कुछ और होती और आखिरत की बड़े पैमाने पे तैयारी होती लेकिन अफसोस सद अफसोस के हम ये सब न कर सकें ये अफसोस की बात है हमारे ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने पूरे साल को वसूल किया उसकी कदर की और वक्त को वसूल किया और अल्लाह की इबादत की और अल्लाह के हुक्मों पर चले और प्यारे नबी के तरीक़ों पर चले और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा और नमाज़ों का अहतमाम किया और तहज्जुद इशराक चाश्त और अवीन को पढ़ा और उम्म की फ़िक्र उम्म का ग़म और उम्म के दर्द को अपने सीने में बसाया और अल्लाह को राज़ी किया और रोजाना रात में वो तहज पढ़ते वो इशराक के वक्त में इशराक पढ़ते वो चाश्त के वक्त में चाश्त पढ़ते वो अवाबीन के वक्त में अवाबीन पढ़ते वो गुनाहों से बचते और जवानी उन्होंने अल्लाह पर फिदा की ऐसे भी बहुत से लोग हैं पूरा साल उनका भी गुज़रा मेरा और आपका भी गुजरा लेकिन उनका बेहतरीन गुजरा और मेरा और आपका गफलत के साथ गुनाहों के साथ लापरवाही के साथ दुनिया की मोहब्बत के साथ मेरा और आपका भी वक्त गुजरा इस पर हमें अफसोस होना चाहिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक खुशी की बात है और एक अफसोस की बात है तो यह अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी मिली थी इतना अच्छा मौका मिला था इतना अच्छा चांस मिला था मैं और आप भी आखिरत बना सकते थे लेकिन हम सही मानों में बना ना सके बहुत से लोगों ने बनाई अल्लाह उनको जजाय खैर अता फ़रमाए उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए उनके जान में माल में वक्त में सलाहियत में बरकतें अता फरमाए उनकी दुआओं में अल्लाह हमारा भी हिस्सा मुकद्दर फरमाए उनको देखकर अल्लाह हमें भी इबरत हासिल करने की तौफीक तो� अता फ़रमाए खुशी की बात कौन सी है <स्किण> खुशी की बात यह है कि अभी सांस चल रही है तोबा का दरवाजा खुला हुआ है और अल्लाह ताला माफ कर देने के लिए तैयार है और अल्लाह के खजानों के दरवाजे खुले हुए हैं अल्लाह के खजानों के दरवाजे ही नहीं है अल्लाह के सारे खजाने हमें देने के लिए है लेने के लिए कुछ नहीं है अल्लाह तला हमें दे करके खुश होते हैं और मांगने वालों से प्यार करते हैं और अल्लाह ताला ने अपना फजल फरमाया करम फरमाया एहसान फरमाया कि रमज़ान का महीना भी अता फ़रमा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सही सालिम भी हैं हम तंदुरुस्त भी हैं हम हस्पताल में नहीं हैं हम आईसीयू रूम में नहीं हैं हम जेल में नहीं हैं हम फुटपाथ पर नहीं हैं अल्लाह तला ने रहने के लिए मकान भी दिया और सहरी भी अच्छे में अच्छी कर रहे हैं इफ्तारी भी माशाल्लाह रात का खाना भी जानदार और सेहत भी है और तंदुरुस्ती भी है और आफ़ियत भी है और हमारे बच्चे सही सालिम भी हैं और घर में एक अच्छा माहौल भी है और माशाल्लाह सब निज़ाम बहुत बेहतर चल रहा है ज़रूरत इस बात की है कि अब हम कदर कर लें कदर कर लें कदर कर लें वसूल कर लें और यूं समझें कि हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो क्या पता दोबारा मौका मिले ना मिले दोबारा चांस मिले ना मिले दूसरा रमज़ान मिले ना मिले इसी रमजान को वसूल करना है और अल्लाह के आशिकों जैसा गुजारना है और इसकी एक एक मिनट और एक एक सेकंड और एक एक लमहे को वसूल करना है अल्लाह मुझे और आपको सही समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तोफीक अता फरमाए रमज़ान की एक एक घड़ी इंसान को अल्लाह का वली बनाने के लिए काफी है तो यह बहुत खुशी की बात है कि मैं और आप कबर में नहीं है टनोमन मिट्टी के नीचे दफन नहीं है तोबा का दरवाजा बंद नहीं हो गया है अभी रूह नहीं निकली है अभी हम जानदार है अभी रूह हमारे अंदर है और अल्लाह ताला हमें मुआफ कर देने के लिए और अपना बनाने के लिए अल्लाह ताला तैयार है बहुत अच्छा मौका है लिहाजा एक नीयत कीजिए इरादा कीजिए इन इंशाल्लाह इस रमज़ान में तो अल्लाह को राज़ी कर लेंगे और अल्लाह से दोस्ती कर लेंगे और अल्लाह से यारी लगा लेंगे और अल्लाह के हुक्मों पर चलना सीख लेंगे और गुनाहों से बचना सीख लेंगे और शैतान की बात नहीं मानेंगे बल्कि एक अल्लाह की जो खालिक है मालिक है पालनहार है शहनशाह है बादशाह है अहकमीन है उस अल्लाह की बात मानेंगे और गुनाहों से बच करके तकवा हासिल करके इंशाला हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे रमज़ान का महीना आता था प्यारे नबी तीन चीजों में बहुत अहतमाम फरमाते थे प्यारे नबी की तीन चीजों में एहतमाम बहुत बढ़ जाता था वैसे तो हमारे नबी बहुत इबादत करते थे अल्लाह का जिक्र बहुत करते थे दुआएं बहुत मांगते थे अल्लाह के सामने रोते बहुत थे प्यारे नबी की सखावत बहुत थी लेकिन रमजान का जब महीना आता था तो तीन चीजों में बतौर खास इजाफा हो जाता था नंबर एक रमज़ान के महीने में आपकी गिरिया व जारी बढ़ जाती थी आपका अल्लाह के सामने रोना अल्लाह से मांगना और दुआएं मांगना और उसमें रोना और अल्लाह को मनाना ये सब बहुत बढ़ जाता था क्योंकि रमजान का महीना ही अल्लाह से मांगने का महीना है रमजान का महीना ही अल्लाह के सामने रोने का महीना है एक बात याद रखना अल्लाह के सामने रोना ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह के सामने रोना अल्लाह के लिए रोना अल्लाह की मोहब्बत में रोना अल्लाह के खौफ से रोना आखिरत की तैयारी कैसे हो जाए इसलिए रोना मेरी खबर जन्नत का बाग बन जाए इसलिए रोना गुना नहीं छूट रहे अल्लाह में क्या करूं इसके लिए रोना तन्हाइयों की इबादत नसीब हो जाए इसके लिए रोना गुना नहीं छूट रहे अल्लाह में कैसे गुनाहों से बचूं इसके लिए रोना अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे इसके लिए रोना मौत के वक्त कलीमा मिल जाए इसके लिए रोना जिक्र की तोफीक नहीं हो रही है इसके लिए रोना औलाद नेक बन जाए शोहर नेक बन जाए बच्चे नेक बन जाए खानदान वाले नेक बन जाए उम्मत का हाल पर अल्लाह रहम फरमा दे उम्मत की बिगड़ी बन जाए उम्मत के खातिर रोना और तड़पना और अल्लाह को मनाना और अल्लाह के सामने रोना याद रखना रोना बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज है इसीलिए हमें फरमाया कि दुआ में अल्लाह के सामने रो रो और अगर रोना ना आता हो तो रोने वालों की शक्ल बनाओ कम से कम शक्ल ही बना लो सबसे पहले तो रोना अल्लाह करे कि हमारा दिल नरम हो हमारा दिल नरम हो बहुत से लोग इतने गुना करते इतने गुना करते इतने गुना करते कि उनका दिल एकदम सख्त थर जैसा हो जाता है उनको रोना नहीं आता कोई बात उनके दिल पर असर नहीं करती ऐसा लगता है कि अल्लाह इनसे नाराज़ हो इनकी आखिरत बर्बाद होने वाली हो मौत के वक्त इन्हें कलमा न मिलने वाला हो ये लोग ऐसा अल्लाह को नाराज़ कर जाते हैं अल्लाह करें कि हमारा दिल नरम हो हम अल्लाह के सामने रोने वाले बने इंसान रोता कब है जब उसको पिछले पर अफसोस होता है तब इंसान रोता है यू फरमाया कि इधर निकले उधर उनको खबर हो कोई आंसू तो ऐसा मोतबर हो इधर आंसू निकले उधर अल्लाह को पता चले इधर निकले उधर उनको खबर हो कोई आंसू तो ऐसा मोतबर हो टपक पड़ते हैं आंसू जब अल्लाह की याद आती है ये वो बारिश है जिसका कोई मौसम नहीं होता साहब तो करके रोते थे और हम गुना करके भी नहीं रोते अल्लाह ताला ने सात समंदर बनाए इसके बावजूद वो बंदे के आंख से निकलने वाले आंसू के एक एक कतरे से मोहब्बत रखता है यू फरमाया अल्लाह के सामने रोना सीखो अल्लाह के सामने रो जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे परेशानियां दूर हो जाएगी मुसीबतें दूर हो जाएगी चैन सुकून मिल जाएगा सारी नेमतें और मिल जाएगी अल्लाह खुश हो जाएंगे अल्लाह राजी हो जाएंगे हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएगी छोटे बच्चे का कोई काम रुकता है नहीं 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 रुकता ना मुसलमान का हो या गैर मुस्लिम का हो मालदार का हो या गरीब का हो कोई काम रुकता नहीं है उसके सारे काम हो जाते हैं उसको दूध भी मिल जाता है उसको मीठी चीज़ भी मिल जाती है उसको लोग घुमाने भी ले जाते हैं उसको कपड़े भी मिल जाते हैं उसकी हाइट बढ़ती रहती है उसके कपड़े आते रहते हैं उसके खिलौने आते रहते हैं सारी चीज़ें उसकी गंदगी साफ़ होती रहती है उसको गुसल कराने वाले उसको गुसल कराते रहते हैं लोग उससे मोहब्बत करते रहते हैं हालांकि छोटा बच्चा है कमाना नहीं जानता है अभी लिखना पढ़ना नहीं जानता है बोलना नहीं जानता है समझ नहीं रहा है चल नहीं रहा है इसकी कोई दुकान बिजनेस और उसका कारोबार और इसके कस्टमर नहीं है लेकिन फिर भी छोटे बच्चे का कोई काम रुकता नहीं है इसको क्या आता है इसके पास कौन सा फार्मूला है यूं फरमाया कि ये छोटा बच्चा जो है ये रोना जानता है और अपनी हर छोटी बड़ी बात रो रो करके अपने मां बाप से मनवा लेता है इसी तरह अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह को राजी करने वाले बंदे उनका भी कोई काम रुकता नहीं है क्योंकि वो अल्लाह के सामने रोना जानते छोटा बच्चा माँ बाप के सामने रोता है उसका कोई काम रुकता नहीं बंदा अल्लाह के सामने अगर रोना सीख ले इनशा उसका भी कोई काम रुकेगा नहीं अल्लाह करे कि हम अल्लाह के सामने रोए रोना सीखे हमें तो दुआ की तोफीक ही नहीं होती अरे चलते फिरते बातचीत भी करें बातचीत करने के लिए हाथ उठाना ही जरूरी नहीं है चलते फिरते अल्लाह से बातचीत करें अल्लाह मुझे अपना बना ले मैं आपसे आपकी मोहब्बत चाहता हूँ आपका इश्क चाहता हूँ जवानी आप पे फ़िदा करना चाहता हूँ आखिरत की तैयारी की तोफ़ी चाहता हूँ पर्सनल बिजनेस चाहता हूँ बड़ा मकान चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मेरी दुनिया बेहतर बने अल्लाह में हर साल हज करना चाहता हूँ बार बार उम्रें करना चाहता हूँ अल्लाह खुशहाली दे दे अल्लाह बहारे दे दे चेहरे पर नूर दे दे दिल में सुरूर दे दे मुझसे दीन का काम ले ले मेरे बच्चों को पोतों को नवासों को हाफिज आलिम बना दे पूरी उम्मत को हिदायत दे दे अल्लाह से बातचीत करना जो अल्लाह से बातचीत करता रहता है अल्लाह उसको अपने खास लोगों में शामिल कर लेते हैं अल्लाह उसको अपना बना लेते हैं अल्लाह उसको अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लेते हैं अल्लाह उसको नस्बत का नूर अता कर देते हैं एक बात अहम बात कीमती बात जबरदस्त बात काम की बात काम आने वाली बात हमारे मसलों को हल कराने वाली बात हमारी जायज तमन्नाओं को पूरी करने वाली बात एक ही बात अल्लाह के सामने रोना सीखो और दुआओं में अपने वक्त को बढ़ाओ ये रमजान का महीना दुआ का महीना है एक दो पारे पढ़े दुआ करने बैठ गए तहजुद के बाद दुआ करने बैठ गए इशराक के बाद दुआ चाश के बाद दुआ अवाबिन के बाद दुआ तरावी के बाद दुआ फ़र्ज नमाजों के बाद दुआ शहरी के वक्त दुआ इफतारी के वक्त दुआ जैसे मौका मिला दुआ चलते ते फिरते अल्लाह से बातचीत दुआ 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 इन शाह पूरे ग्यारह महीने बहुत बेहतर हो जाएंगे सारे मसले हल हो जाएंगे ना अपने दुखड़े ना रो और परेशान ना रहो बेचैन ना रहो हालात में ना रहो तकलीफों में ना रहो अल्लाह हमारे साथ है उसके सारे खजानों का वो मालिक है और उसके सारे खजाने हमें देने के लिए है हम उसके कमजोर बंदे हैं वो हमसे खुद कहता है तुम मुझसे मांगो मैं तुम को तो दूंगा फिर हम क्यों नहीं मांगते हैं फिर हम क्यों नहीं हाथ फैलाते अरे वही चीज होंगे बहारे आफियत देंगे कई मुसीबत टाल देंगे कई बलाएं टाल देंगे आखिरत की बड़े पैमाने पर तैयारी करवा देंगे और इतना देंगे इंसान तू खुश हो जाएगा तुझे तो जिंदगी तो गुजारने की मजा आ तो जाएगी अल्लाह करे कि हम मांगने वाले हो जाए समझ में आवे तो भी ना आवे तो भी मजा आवे तो भी मजा ना आवे तो भी दिल लगे तो भी दिल ना लगे तो भी टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है बात रब पे जो छोड़ देता है उस रब के लुतफो करम के क्या-क्या कहने क्या क्या लाख मांगो तो करोड़ देता है अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है मांगने वाले कहाँ हैं रोने वाले कहाँ हैं हाथ फैलाने वाले कहाँ हैं मन्नत समाजत करने वाले कहाँ हैं हमने देखा अल्लाह वालों को वो अल्लाह से बहुत मांगते बहुत मांगते मांगते रहते अल्लाह उनको देता रहता है उनको नवाजता रहता है मानिकपुर टंकोली के पूरे यूरोप के जिम्मेदार हाफिज पटेल साहब रहमत उनकी कबर को नूर से मुनवर फरमाए जन्नतफरद में आला से आला मकाम अता फ़रमाए वो जब मानिकपुर प्रोटोकोली आते थे तो रात में दो दो ढाई ढाई घंटे दुआ मांगते थे दो दो ढाई ढाई घंटे दुआ इतने बड़े अल्लाह वाले और इतने जहलील कदर आदमी और हाफिज है और कई मदरसे चला रहे हैं और बच्चे मौलाना हैं और अल्लाह तला उनसे एक बड़ा काम ले रहे हैं और यूरोप वालों को की हिदायत का अल्लाह ने इनको जरिया बनाया और बड़ी उम्र है नब्बे के ऊपर की उम्र थी इसके बावजूद वो मांगना नहीं छोड़ा उनको पता था कि ये ये सब जो मिली मिली है है ना ये मांग मांग कर ही अल्लाह ताला ने दुनिया के तकरीबन 200 से ज्यादा मुल्कों का उनको सफर करवाया और अभी अलहमदल मेरा बारबाडोस जाना हुआ उन्होंने बताया कि हाफिज पटेल साहब तो तकरीबन साल में दो तीन दफा के करीब आते थे अल्लाह अकबर कबीरा मांगने वालों को अल्लाह नवाज देता है उनको बार बार हज की तोफीक दे देता है दुनिया उनके कदमों में डाल देता है इज्जत अल्लाह उनको नसीब फरमाता है अरे दुकान पे जाने वाले रोजाना जाते हैं ना जो लाखों पति है वो भी जो करोड़ों पति है वो भी जो अरबों पति है वो भी क्या वो अपनी मेहनत कम करते हैं कि हमारे पास तो अरबों रुपये ना 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 उनकी तो भ्रांचे बढ़ जाती है उनकी मेहनत बढ़ जाती है उनकी कोशिश बढ़ जाती है अरे अल्लाह नवाजता जाए हम मांगते ही चले जाए हम मांगते ही चले जाए हम मांगते ही ले जाए अल्लाह से मांगने में क्या शर्मा वो तो मांगने वालों से प्यार करता है दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज हो जाते हैं और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज हो जाता है लेकिन हम है कि बहाने करते हैं और हाँ और नज़रअंदाज करते हैं और दुआ का वक्त आता है तो हम एकदम से मुसल्ले से उठ जाते हैं हमें कुछ काम याद आ जाता है शैतान का सबसे बड़ा हरबा यह है वो हमें मांगने नहीं देता और अगर मांगे तो वो दिल की हाज़िरी से मांगने नहीं देता इसलिए मेरा अजीज अल्लाह से मांगना है जम करके मांगना है इसीलिए मैं कह रहा था इंफ्रादी तौर पर भी मांगे इजतमाही तौर पर भी मांगे शहरी में भी अलहमदुल्ला दुआ होती है चार चालीस को बहुत से लोग दुआ में शरीक होते हैं आप हजरा भी शरीक हो जाए इसी मिक्सलर की लिंक पर थोड़ी सी हिम्मत करें कोशिश करें थोड़ा सा जल्दी उठ जाए अपनी तलब अल्लाह को बताएं अल्लाह के सामने बैठ जाए हाथ फैलाएं और अल्लाह मुझे भी जरूरत है हम में से हर एक को याद है कि हमने कितनी चीजें अल्लाह से मांगी थी अल्लाह तला ने हमें दी हमें बहारे दी हमने अपनी आंखों से वो न देखी और इन शाह रमजान की दुआएं जरूर कबूल होगी मेरा अल्लाह कबूल करेगा कबूल करने वाली अल्लाह की है देने वाली अल्लाह की है वो सखी है वो दे के खुश होता है हम फकीर है हम कुछ नहीं हमसे कुछ नहीं अल्लाह सब कुछ और अल्लाह ही से सब कुछ सब कुछ करने धरने वाली एक अल्लाह की है नियत करो कि इंशाला मांगेंगे दिल की हाजरी से मांगेंगे दिल लगे तो भी दिल न लगे तो भी मजा आए तो भी मजा न आए तो भी सबसे अहम काम रोने वाले की शक्ल

क्या मैं और आप हयातन तय्यबा नहीं चाहते क्या मैं और आप बरकतों वाली हलाल रोजी नहीं चाहते क्या मैं और आप चैन सुकून नहीं चाहते क्या मैं और आप अल्लाह के दिन की मेहनत करना नहीं चाहते क्या मैं और आप बच्चों को आंखों की ठंडक बनते हुए देखना नहीं चाहते फैमिली को आंखों की ठंडक बनते हुए देखना नहीं चाहते ये सब हम चाहते हैं तो फिर हम मांगते क्यों नहीं है हमें मांगना है अल्लाह तला से मोलाना क्या मांगे कैसे मांगे हमें तो नहीं आता एक बात याद रखना मांगते मांगते मांगना आ जाता है ऐसे ही मांगना नहीं आता सोच करके मांगना नहीं आता हाँ एक शख्स से चाय की दुकान पर मुलाकात हुई एक मिनट बात हुई कल मुलाकात हुई दो मिनट बात हुई परसों मुलाकात हुई तीन मिनट बात हुई चौथे दिन मुलाकात हुई पांच मिनट बात हुई कहीं साथ में घूमने चले गए दस मिनट बात हो गई छः सात दिन में दोस्ती हो गई बातें होना शुरू हो गई व्हाटसअॉप पे कॉन्टेक्ट शुरू हो गया फोन पे बातचीत शुरू हो गई अब कभी खड़े रहते हैं तो आधा घंटा भी पता नहीं चलता क्या बात है यूं बातचीत का पता चलता नहीं है पहले दिन तो आधी मिनट एक मिनट की दुआ होगी लेकिन जब मांगते रहेंगे तो दो मिनट की दुआ तीन मिनट की दुआ चार मिनट की दुआ पांच मिनट की दुआ फिर अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी फिर तो आधा आधा घंटा भी पता ही नहीं चलेगा फिर मांगने में मजा आएगा

छः नंबर पूरा दीन तो नहीं है लेकिन इस पर चलने से पूरे दिन पर चलना आसान हो जाता है ये छह सिफात अल्लाह से मांगे इंशाल्लाह ईमान को मांगे ईमान को मांगे नमाज को मांगे आज शहरी की दुआ में चार चालीस को हम ये छह सिफात पर भी दुआ करेंगे अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत फरमा यकीन को मजबूत फरमा यकीन के बिगाड़ को ख़त्म फरमा आपसे ही होता है और आप ही करते हैं हमें ये समझा दीजिए हमारा ईमान बढ़ा दीजिए मौत के वक्त ईमान दे दीजिए हमें कामयाब कर दीजिए फिर दूसरी सिफत नमाज ए पांच वक्त का नमाजी बना दे खुशु और खुजू वाली नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने वाला बना दे ध्यान से नमाज पढ़ने वाला बना सुन्नत के मुताबिक वजू और सुन्नत के मुताबिक नमाज ऐसी नमाज जो बेहयाई और बुराई के कामों से बचा ले अल्ला जैसी नमाज पढ़ने की तोफ़ी अता फ़र्मा फिर प्यार्मा फ़रमा इलम लद्न्नी वहबी और कसबी अता फ़रमा नफ़ा देने वाला अता फ़र्मा हमारी नस्लों में इल को तोफ़ी अतः फर्मा तस्बीहारीफ की तिलावत की तोफीक़ा फरमा मसनू दुआओं की तोफीकता फरमा फिर इकराम मुस्लिम अच्छे अखलाक प्यारखलाक अतः फर्मा सहाबा जैसे अखलाक अतः फर्मा हमारी तरफ से किसी को तकलीफ न पहुंचे ऐसे फैसले फरमा जो बुराई का मामला करे उसके साथ अच्छाई का मामला करने की जो तोड़े उसके साथ जोड़ने की तोफीकता फर्मा फिर अखलास अल्लाखलाता फर्मा अल्लाहनी कौली अल्लाह मुझे हमारे बात करने में भी अखलास हो हमारे अमल में भी इख़लास हो हर काम में आपकी रजा के लिए करूं ऐसे फैसले फरमा दावत तबलीग की मुबारक मेहनत के लिए हमें भी कबूल फरमा आपने सहाबा को अल्लाह वालों को बहुत से लोगों को कबूल किया हमें और हमारी नस्लों को भी कबूल फरमा हमसे भी दीन का काम ले ले हमें भी दीन का खादि बना दे हमें भी लायानी चीज़ों से बचा ले तो मेरी मेरे कहने का खुलासा यह है कि ये छः सिफात अल्ला से मांगे मांगते मांगते मांगना आएगा मांगने वालों से अल्लाह तला प्यार करते हैं और दुआ कब कबूल होती है यूं फरमाया जब भी दिल की हाजिरी से दुआ करो उस वक्त दुआ कबूल होती है कितने लोग ऐसे हैं उनके घरों में बीमारी है अरे अल्लाह से जम करके मांगो कितने लोग ऐसे हैं कि उनके घरों में असरात है अल्लाह से जम करके मांगो कितने लोग ऐसे हैं कि उनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं अरे अल्लाह से जम करके मांगो कितने माँ बाप ऐसे हैं वो चाहते हैं हमारे बच्चे राह रास् पर आ जाए अल्लाह से जम कर मांगो कितने ऐसे हैं कि बीवी में आपस में लड़ाइया है अरे अल्लाह से जम करके मांगो कितने ऐसे हैं कि सास बहू में आपस में लड़ाई है अरे अल्लाह से जमकर करके मांगो कितने ऐसे हैं जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह से जम करके मांगो कितने बच, कितने ऐसे हैं जिनके रिश्ते शादियां हो गई है लेकिन आपस में लड़ाइया है अरे अल्लाह से जम करके मांगो कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के दीन की मुबारक मेहनत से दूर है जम करके मांगो अल्लाह दीन की मेहनत की तोफी फरमा कितने लोग हैं जो सुन्नतों से दूर है अल्लाह से जम करके मांगो सुन्नतों पर चलने का शौक फरमा जो अल्लाह से जम करके मांगो जो कैदो बंदबूस है अल्लाह से जम करके मांगो हम जिस परेशानी में है, जो तकलीफ है जो मुसीबत है, है, है अल्लाह से जम करके मांगो आगे की जिंदगी के लिए मांगो मौत के वक्त कलीमा मिले इसके लिए मांगो आसानी वाली मौत आए इसके लिए मांगो कबर तहद निगाह वसी हो इसके लिए मांगो जन्नत की खिड़की खुले इसके लिए मांगो हिसाब किताब आसान हो इसके लिए मांगो पुल से पर से आसानी से गुजरना हो इसके लिए मांगो अल्लाह से मुलाकात हो अल्लाह खुश हो इसके लिए मांगो प्यारे नबी के हाथों हौज कौसर पर जामे कौसर नसीब हो इसके लिए मांगो अल्लाह जन्नतो सता फरमाए उसके लिए मांगो जन्नत में प्यारे नबी का पड़ोस मिले उसके लिए मांगो बार बार जन्नत में अल्लाह का दीदार हो उसके लिए मांगो असल है मांगना मांगेंगे ना तो मांगते मांगते मांगना आएगा अल्लाह खुश होंगे अल्लाह देंगे सारी परेशानियां दूर हो जाएगी दुनिया भी बेहतर होगी मौत भी अच्छी आएगी कबर भी अच्छी बनेगी आखिरत भी अच्छी बनेगी जन्नत भी मिलेगी इनशा प्यारे नबी का पड़ोस भी मिलेगा जन्नत में बार बार अल्लाह का दीदार भी होगा जरूरत इस बात की है कि हम मांगे और अल्लाह के सामने हम रोना सीखे तो तीन काम जो है रमजान में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद बहुत ज्यादा फरमाते थे उसमें सबसे पहली चीज है दुआओं में गिरिया अल्लाह के सामने रोना धोना बहुत बढ़ जाता था नंबर दो आपकी इबादत बहुत बढ़ जाती थी वैसे तो आप पूरा साल बहुत इबादत करते बहुत इबादत करते बहुत इबादत करते जिक्र करते रहते नफल पढ़ते रहते नवाफिल पढ़ते रहते नमाजें पढ़ते रहते अल्लाह को याद करते रहते दुआएं करते रहते और आप तो इतनी लंबी लंबी नफल नमाजें पढ़ते थे हत्ता यह तो वर्रमत कदमा आपके मुबारक पर वरम आ जाता था वरम सूजन आ जाती थी आप बख्शे बख्शाए और इतनी इबादत कर रहे हैं मैं और आप गुनेगारे और हम इबादत से जान छुड़ाते हैं सुस्ती करते हैं और हमें इबादतों में हमारा ध्यान नहीं लगता अल्लाह करेंत प्यारे नमजान में इबादत बहुत बढ़ जाती थी और प्यारे बहुत बढ़ जाती थी रोना धोना बहुत बढ़ जाता था इबादत बहुत बढ़ जाती थी सखावत बहुत बढ़ जाती थी हम भी कोशिश करें कि ज्यादा दुआ मांगे रोए नंबर दो इबादत को खूब बढ़ाएं और नंबर तीन खूब सदका और खैरात और खूब सखावत करें और अल्लाह के नाम पर खूब दें आज तो बात हुई है अल्लाह के सामने रोना कल बात करेंगे और, आज की मजलिस की से मुझे और आपको खूब अल्लाह अपने सामने रोने वाला बनाए अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए हाथ उठाइए दुआ कर लीजिए मोहम्मद अल्लांत सुबहानक इन्ना कुन्ना वालम प्यारे अल्लाह रहीम करीम अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा अपनी मोहब्बत नसीब फरमा अपना इश्क नसीब फरमा अपना फरमा अपना कौनटे कता फरमा प्यारे अल्लाह हमें आपके सामने रोने वाला बना दे अल्लाह हमें रोना नहीं आता अल्लाह हमारा दिल सख्त हो गया है बहुत गुना किए गुना करते करते पूरा दिल अल्लाह ब्लैक हो गया पूरा दिल सिया हो गया पूरा दिल सख्त हो गया अल्लाह ये आंखों ने रोना छोड़ दिया दुनिया के गम पे रोना आता है इंतकाल हो जाए किसी का तो रोना आता है कोई हालात आ जाए तो रोना आता है लेकिन आपकी मोहब्बत मिल जाए इसके लिए रोना तकवा मिल जाए इसके लिए रोना कबर जन्नत का बाग बन जाए इसके लिए रोना अल्लाह हमें रोना नहीं आता ए अल्लाह हमें रोने वालों में से बना रोने वालों की शक्ल करने वालों में से बना ए अल्लाह हमें दुआ की तोफीक दे दे हमें दुआ वाला बना दे दुआ मांगने की तोफीक दे दे मौत तक मांगते रहने की अता फरमा ए अल्लाह हमें समझा दीजिए आप बड़े हैं आप देते हुए अच्छे लगते हैं हम आपसे मांगते हुए अच्छे लगते हैं अल्लाह हमारे रोजे को तरावी को तिलावत कुरान को दिगर नेकाल को टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा जो गलती हो गई हो उसको फरमा रमजान के लम्हे बाकी है आपके आशिकों जैसे गुजारने की तोफीक अतः अच्छा रोजा अच्छी तरावी तरावी का हर सजदा मजे ले लेकर तहजुदी शराब चास्त अवाबिन शहरी और इफ्तारी के वक्त में दुआए खूब जमकर के करने की अल्लाह हमें तोफी और फरमा ये टूटी फूटी मजलिसों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा आलमगीर हिदायत का जरिया फरमा आलम वालों को हिदायत फरमा, उनकी क्यामत तक आने वाली नस्लों को हिदायत हाथों की लाज रख ले हम तमाम को बार बार मक्का और मदीना की मकबूल जायस तमन्नाओं को नेक मुरादों को पूरा फरमा अल्लाह हम पे नजर करम फरमा रमजान की रहमतें आता फरमा बरकतें आता फरमा हमारे बड़ों ने आपसे जो भलाई और खैर मांगी हो हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा जिन शुरू और फितन से पना चाहिए हो उससे हमारी और पूरी उम्मत